जा रहा कंगा लकड़ी। यहाँ दो बीज, यहाँ पे दो बीज रखे थे, ये है मूंगफली। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज फ्राइडे है 6 अगस्त 2021 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने बांसामुड़ा के खेतों की तरफ आया हुआ हूँ। इधर देखिए अपना मोटर चल रहा है और पानी इन खेतों में भर रहा है। ठीक है, और क्या है कि ये मोटर जो है रात भर यहीं पे था और ये आने जाने वाला रास्ता है, तो इस मोटर का चोरी होने का डर था रात को। ठीक है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी आकर देखना पड़ा। इससे पहले एक बार और आया था 5 बजे उठकर और मैंने देखा कि मोटर एकदम सुरक्षित है, फिर मन को संतुष्टि मिली हाँ कि भाई अपना मोटर जो है चोरी नहीं हुआ है। तो फिर ये संतुष्टि मिलने के बाद अपन खेतों को देखने गए कि पानी कितना भरा हुआ है। जो कल सूखा हुआ था, दो तीन खेत जो सूखा हुआ था ना, उसमें पानी अपने को भरना था और आज उसे चिखला करना था। लेकिन मैं सुबह देखने गया खेतों को, तो वहाँ पे देखा कि जो चूहे बिल खोदे थे ना, उससे पानी इधर उधर भाग गए थे और जो जिस खेत में भरना था ना पानी, वो खेत पूरी तरह से सूख चुका था। तो अभी मतलब सुबह ही मैंने सारे के सारे खेत को ठीक किया, चूहे के बिल वगैरह थे उसको मिट्टी से बंद कर दिया और अभी पूरे 1 या 1.5 घंटे के बाद आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी उन खेतों में पानी कितना भरा हुआ है और कितना बाहर भाग गया हुआ। ठीक है, अभी तुरंत जाके देखते हैं। मेरी घर से पानी आ रहा है, होते आ रहा है। दर्शकों देख सकते हैं इन खेतों से पानी यहाँ से इस पाइप के थ्रू इन दोनों खेतों में जा रहा है। ये पूरा सूखा हुआ था, अभी थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, सुबह आके इसमें लगाया था तो अब नीचे ही भर जाएगा कुछ घंटों में। इधर देखिए लबालब भर चुका है पानी, ये सबका जुताई हो चुका है, ये दोनों का बाकी है और एक उस तालाब के उस साइड, यानी 3 खेत बचे हुए हैं। तो हो सकता है दोपहर में ही आए ट्रैक्टर। बढ़िया है। और दर्शकों अभी ट्रैक्टर वाले भाई साहब यहाँ पे आए थे खेतों को देखने और ये जो तालाब के पीछे वाला जो खेत है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तो सबसे पहले उसे चिखला करेंगे और तब तक 15 से 20 या दोनों खेत को करेंगे तो लगभग आधा घंटा लगेगा। तो आधे घंटे में वो दोनों खेत भर जाएंगे। ठीक है, और उसे भरने के बाद उसे भी चिखला कर देंगे। तो अभी फटाफट से हम भी घर से होकर आते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं। हम घर से आ चुके हैं और अपने साथ एक फावड़ा है, चिखला करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी वहाँ पर चलते हैं, टाइम हो रहा है 8:45, देखते हैं कितना मिनट में कंप्लीट हो पाता है वो वाला खेत। चिखला होना स्टार्ट हो चुका है, ला ला
से इस जगह से पानी भाग रहा था। यहाँ चूहे ने बिल खोदा हुआ है, जिसे कि मैंने सुबह ही मिट्टी से बांध दिया था। और अभी पानी देखिए यहाँ ठहरा हुआ है और इस खेत से पानी उस खेत में जा रहा है, जो कि भर चुका है। अब 5-10 मिनट में ट्रैक्टर आएगा और इसको भी चिखला करना स्टार्ट करेगा। देखिए, और अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। इधर का सीन देखिए, एक जगह ट्रैक्टर चल रहा है, उधर बैलों से चिखला किया जा रहा है, इधर एक कल शाम को एक लाश चलाए थे, वो जिसका धुआं अभी उड़ रहा है। और इधर एक बंदा जो है लकड़ियां अपने कंधे में ला रहा है और वहाँ कुछ रोड के किनारे रखा है। और इस खेत से ऊपर वाले खेत में धान की निराई कर रहे हैं और उसे दूसरे खेतों में ले जाकर रोपाई करेंगे। तो ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है इधर। ये लेके जा रहा है बंदा लकड़ी, ट्रैक्टर आ चुका है इन खेतों को चिखला करने के लिए। पानी भी लगभग भर चुका है। अभी 10:15 हो रहा है, यहाँ से ट्रैक्टर जा चुका है और अभी थोड़ा सा वेट करते हैं आधा घंटा, क्योंकि पानी जो है उन दोनों खेतों में अच्छे से भर जाना चाहिए, फिर उन मेड़ों को बांध कर जाएंगे। तो अभी हम आधा घंटा रुके थे और आधा घंटा हमने पानी उन्हीं दोनों खेतों में लगाया जहाँ पे चिखला किए। 11 बज चुके हैं, हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। इधर देखिए समतलीकरण किया जा रहा है बैलों की मदद से। ये थोड़ा पास से दिखाते हैं हम आप लोग को। हाँ दादा, कहाँ चल ही रोपाई? बुनाई हाँ और दर्शकों, आज धान की निराई कर रहे हैं यहाँ खेत, तो यहाँ इन दोनों खेतों में रोपाई होगी। इधर आप देख सकते हैं ये सारे सारे टिकरा है ना, इन सब में मूंगफली, उड़द, मूंग ये सब लगाया गया है और उस साइड लगा ही रहे हैं पूरा। आज अपने बाड़ी के खेत में देखिए छिलाई का काम चल रहा है पेड़ों की, और ये लोग भी इसमें धान की बुआई करेंगे। इन सब खेतों में तो हो चुका है, बस ये वाला बचा है और इसके ठीक नीचे, तो देखते हैं कितने दिनों में ये लोग कर पाते हैं धान की बुआई। दर्शकों, अभी हम अपने बाड़ी में हैं और अभी 1:30 बज रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो बैंगन के पौधे हैं ना, इनके बीच बीच में हमने अभी बरबट्टी लगाया है, ठीक है। और इधर आगे में 2 लाइन और है जिसमें कि अभी हम
सेम का बीज लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों में सेम का बीज लगा रहे हैं। ये रहा सेम का बीज, ठीक है, इसे इस तरह से डालते हैं, दो बीज यहाँ, दो बीज यहाँ पे, दो बीज यहाँ पे। अब बीज डालने के बाद इसमें हम खाद डालते हैं, खाद को इसके ऊपर में डालना है। और ये है खाद और ये है सेम का बीज, ये ऐसे ढक दिए ऐसे करके। इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है हमें। आज के दिन अपना सेम और बरबट्टी दोनों लग गया। दर्शकों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपने खेतों की ओर मूंगफली लगाने के लिए और उड़द का दाल लगाने के लिए। अभी जल्दी से चलते हैं टिकरा की ओर। देखिए इस टिकरा में लग चुका है मूंगफली और हमारे वाले टिकरा में लग रहा है। दर्शकों अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और इधर वाले खेत में हम उड़द की दाल लगाए हैं और इधर वाले खेत में मूंगफली। तो सबसे पहले हमने मूंगफली का बीज को लगाया बिना छीले, ठीक है, एक एक करके फेंकते गए, मतलब डालते गए। ये है मूंगफली और ये है मूंग की दाल। और ये है बरबट्टी, ये भी मूंग है। बाद अपने पास जो खाद था उसे फिर डालने लग गए। छुप चुके हैं, सूरज डूबने वाला है और हम खाद डाल ही रहे हैं मूंगफली में। जल्दी जल्दी अपने को निपटाना पड़ेगा खाद डालने का। अभी इसमें इस तरह से खाद डाल रहे हैं, इसमें अभी करेंगे खाद डालने के बाद इसे कल समतल कर देंगे और समतल होने के बाद कुछ दिनों में मूंगफली अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद बढ़ने लग जाएगा। तो आज काम करने में काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो अभी जाकर सीधा नहाएंगे और नहाकर फ्रेश फील होगा, ठीक है। तो चलिए दर्शकों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटें, दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता घटाएं। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।